नमस्कार। सो ये वीडियो स्पेशल, देखिए एक तो विवेक गुप्ता सिर्फ MBBS काउंसलर नहीं, करियर काउंसलर, और शायद मेरे वीडियोज़ आपको बहुत जानकारी दे रहे हैं, और समटाइम्स शायद आपको ज़्यादा जानकारी दे देते हैं और आप इंटरप्रेट नहीं करते ठीक से तो कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो मैं हमेशा पुराने वीडियो देखिए, आपको मैं रिपीट नहीं करना चाहता क्विकली कि एक अच्छा कॉलेज कैसे बनता है, कुछ भी अच्छी संस्थान कैसे बनती है, एक अच्छा कोचिंग सेंटर कैसे बनता है, कि उस कॉलेज के अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले कॉलेज का बेसिक इंफ्रा, क्लासरूम, लैब्स, हॉस्टल्स, खाना सब एक बेयर मिनिमम तो हो, फिर डेफिनेटली ठीक है। आप कह सकते हो जी हम एक जर्मन स्टूडेंट हैं, हमें खाने से मतलब नहीं है, लेकिन भाई जहाँ पढ़ रहे हो वो लैब के इक्विपमेंट, क्लासरूम की क्वालिटी, वो सब तो अच्छा होना चाहिए ना। वंस दैट इज़ डन, फैकल्टी जो आपको पढ़ाने आ रहे हैं वो आ रहे हैं और क्वालिटी वाले आ रहे हैं, ठीक, ये दो तीन काम हो गए। और उसके अलावा फिर खासकर MBBS के केस में पेशेंट फ्लो, आपको उन्हीं को देख कर सीखना, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल कोर्स, सो पेशेंट फ्लो कैसा है कॉलेज में, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिर कुछ पर्सनल रीजन्स हो सकते हैं, तो लोकेशंस बिकम्स अ फैक्टर, खासकर फीमेल कैंडिडेट्स कभी कभार देखती हैं कि भाई सेफ्टी इशूज़ इन एंड अराउंड एरिया कैन बिकम अ फैक्टर समटाइम, ठीक है मैं कई बार समझाता हूँ, लेकिन समबडी वॉन्ट्स टू गो टू सम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट, समटाइम यू डोंट वॉन्ट टू गो, तो वो सब एक कॉमन फैक्टर हो गए। पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो मैंने दबी आवाज़ में कई वीडियोस में बताया है, वो है कि आपके साथ जो आपके बाकी क्लास के बच्चे आ रहे हैं वो किस बैकग्राउंड के आ रहे हैं, ठीक है। और वही शायद मेरी थॉट आपको बहुत अच्छी लगी है, बहुत लाइक्स की आपने, जो मैंने DY पाटिल वर्सेस कर्नाटका का आपको वीडियो बना के कॉन्सेप्ट समझाया, अब उसी कॉन्सेप्ट को देख के देखिए मैं रिपीट करता हूँ, जो मेरे पास करियर काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, कि सक्सेस जो है वो दो चीज़ों का पार्ट होती है, एक होता है कि आपका हार्डवर्क, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, इन सबको आप एक जोड़ लो, लक तो खैर सबके ऊपर रहेगा, लेकिन जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो शायद जो मेरे सामने बैठते हैं उन्हें मैं समझाता हूँ डिटेल में, वो होता है कि बच्चे का फंडामेंटल IQ या फंडामेंटल स्ट्रेंथ क्या है, इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो हम कहते हैं, और काफ़ी हमारे टीचर्स वगैरह आते हैं वो फट से समझ लेते हैं। तो देखिए अ बैड डे कैन हैपन विद एनीबडी, इट इज़ पॉसिबल कि बच्चा तैयारी कर रहा था 600 नंबर के लायक आ रहा था पर पेपर में 225-250 आ गए, पर एटलीस्ट ऐसे काउंसलर जब मैं साल में 100 के करीब केस करता हूँ तो मेरे पास काफ़ी बच्चे आते हैं जिनके नंबर भी 250 आए हैं और प्रैक्टिस टेस्ट में भी उनके 250 ही आ रहे थे और हर जगह 250 आ रहे थे। देखिए अब इंडिया का सिस्टम ऐसा है कि 250 भी एक तरह से अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि 150 के नीचे 1,000,000 बच्चे होने वाले, तो यू आर स्टिल इन द टॉप 1,000,000, बट डेफिनेटली देन देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स हुआर गेटिंग 250 वेयर स्टूडेंट्स हुआर गेटिंग 600। कुछ तो फ़र्क था ना उनके फोकस में, कॉन्सेंट्रेशन में, और एक आध की बात अलग है, लेकिन एक क्लास है जिसमें सारे 600 वाले हैं और एक क्लास है जिसमें सारे 250 वाले हैं। तो आप एक कोचिंग सेंटर भी तो ही करते हैं ना, वो जो सुपर अचीवर बैच बनाते हैं, अचीवर बैच बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? तो नाउ कमिंग बैक, तो ये वीडियो का पर्पज़ मेरा ये था कि लोग ना ये देख रहे हैं, क्योंकि मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि सर हाउ रामा हापुड़ वर्सेज बुलाना में कौन सा बेटर है, क्योंकि भाई आपने पक्की बात ये देखा कि दोनों ही कट ऑफ सेम है, या आपको आपकी कट ऑफ में दोनों कॉलेज मिल सकते हैं, आई एम श्योर कि आपके 350-360 मार्क्स होंगे। तो देखिए डेफिनेटली MME बुलाना फार बेटर है रामा हापुर से। जो कारण था जिसकी वजह से MME बुलाने की कट ऑफ नीचे थी वो है बजट, तो देर आर मैनी पीपल जिनके पास पैसे नहीं होते, तो जो भी लास्ट ईयर KD मथुरा गया है या सरस्वती हापुर गया है या मुजफ्फरनगर मेडिकल गया है या रोहिला खंड मेडिकल गया है, जो सब 400 प्लस थे, एवरीबडी कुड हैव गॉट SGRR देहरादून, अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ जो ओपन स्टेट है, बट ईच वन ऑफ देम हैज़ लेफ्ट SGRR और सम ऑफ देम हैज़ लेफ्ट जॉली ग्रांट, सम ऑफ देम हैज़ लेफ्ट, खैर चलो वो तो क्लोज स्टेट हो गया, या मुलाना, टू टेक वन ऑफ दीज कॉलेजेस फॉर द वेरी सिंपल रीज़न, भाई फ़र्क, वहाँ 70,00,000 का बजट है, वहीं 1,10,00,000 का बजट है, तो उस हाई बजट की वजह से कम सम टाइम जो टॉपर बच्चे होते हैं वो जानते हुए भी जो कॉलेज अच्छा है नहीं जाते, क्योंकि बजट का इशू रहता है। तो हर एक के पास ओपन बजट नहीं होता, आपको ये चीज़ समझनी है। तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि भैया UP के कॉलेज जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये मुंह पे शारदा का कि भैया 500 प्लस कट ऑफ है, तो ये तो सर जॉली ग्रांट से भी ऊपर कट ऑफ है, तो दैट मीन्स शानदार कॉलेज है, नहीं, उसको तो दो एडवांटेज है, एक तो लो बजट और दूसरा प्रॉक्सीमिटी टू दिल्ली, वही जो अमृता फरीदाबाद को मिल गया लास्ट ईयर कि उसका खाम खाम में कट ऑफ इतनी ऊपर चलेगी, और इस साल भी बस जो हवा आ रही है कि चलो 25,00,000 पर ईयर की फीस लेने के बावजूद आई डोंट थिंक वो 400 से नीचे आएगा, बिकॉज देर आर मैनी रिच पीपल इन दिल्ली NCR जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल बगल में पढ़े ताकि उसको हर
आधे घंटे में जाके देख सकें, तो वो सब फैक्टर भी होते हैं और उसकी वजह से बजट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कट ऑफ्स में। केरल की हर कॉलेज की कट ऑफ बहुत ऊपर रहती है क्योंकि 7 लाख रुपये में पढ़ा रहा है ना। अब नॉर्थ इंडिया के लिए मतलब इस नॉर्थ इंडिया में हमेशा मुँह पर कहता हूँ कि बहुत पेन है वहाँ जाके पढ़ना, बट ठीक है यार, कुछ फैमिली ऐसी है जिनके लिए 45 लाख से एक रुपया भी ऊपर खर्च नहीं करना चाहते, जबकि जो भी केरल में जा रहा है उसको अदर देन कस्तूरबास के दोनों कैंपस मेन कुछ भी मिल जाएगा। इवन मणिपाल उनको पक्का मिल रहा है, अगर वो यूपी ट्राई करेंगे श्रीरामूर्ति मिल जाएगा, लेकिन वो 70 लाख भी नहीं खर्च करना चाहते, उनका 45 लाख में काम कराना चाहते हैं। तो वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर होता है और जो हर एक का फैमिली अलग है, हर एक का घर अलग है। तो मैं बस आपको ये समझाना चाहता था वीडियो के माध्यम से कि बजट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सिलेक्शन ऑफ कॉलेज फॉर मेनी पीपल। तो अगर आप उनमें से हैं जिनके लिए बजट इंपॉर्टेंट नहीं है या उतना फैक्टर नहीं है कि अगर आप 45 खर्च कर रहे हो तो आप 65 खर्च कर सकते हो, 60 खर्च कर सकते हो, 70 खर्च कर रहे हो आप 90 खर्च कर सकते हो या 1-10 तक खर्च कर सकते हो, तो आपकी ऑप्शंस बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि ये मैं सोचेगा कि यार फलाने कॉलेज की कट ऑफ बहुत ऊपर थी, तो कॉलेज बहुत शानदार है, जो यूपी के आपको अक्सर ऐसे कॉलेज मिलेंगे सबकी कट ऑफ बहुत ऊपर है। उसका कारण ये है कि यूपी राइट नाउ, वो भी लार्ज स्केल के हिसाब से, क्योंकि यूपी के टोटल सीट्स इज इक्वल टू सम ऑफ द एंटायर नॉर्थ इंडियन सीट्स, मतलब अब हरियाणा के कॉलेज प्लस उत्तराखंड के प्लस हिमाचल प्लस पंजाब प्लस राजस्थान और फॉर दैट मैटर प्लस MP प्लस छत्तीसगढ़ सब प्लस 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 कर लो तो बराबर में यूपी आता है। राइट, तो यूपी के पास इतना बल्क है, 32 कॉलेज हैं और 6 माइनॉरिटी देखिए महंगी हैं, तो वहाँ कट ऑफ 250 के आसपास घूम रही है ना, क्योंकि अच्छे कॉलेज हैं TMU, इरा, इंटीग्रल, तीनों शानदार कॉलेज हैं। तो बजट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन माइंड ऑफ मैनी पीपल। मैं जो भी मेरे पास आते हैं मैं समझाता हूँ कि 400 नंबर वाले को प्राइवेट कॉलेज क्यों मिल रहा है। इंडिया में तो 1,10,000 सीटें हैं ना सिर्फ, तो उसके हिसाब से तो 550 पे सारी की सारी सीट्स ख़त्म हो जानी चाहिए थी। अनलाइक इंजीनियरिंग, अनलाइक BBA जहाँ पर इतनी महंगी फीसें नहीं है प्राइवेट में, MBBS में बहुत महंगी फीस है ना, तो जैसे ही सरकारी ख़त्म हो जाता है उसके बाद तो क्या, तो हर 10 बच्चों में से 5 बच्चों में से एक लेता है, 4 छोड़ते हैं बिकॉज द पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड इवन वेन दे आर गेटिंग कस्तूरबा मणिपाल एंड बैंगलोर। राइट, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है जो हमें ध्यान में रखना है। और इसी तरह से आपको अच्छे विचार सुनने हैं या टू द पॉइंट नॉलेज लेनी है, तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी सुन लें। और जहाँ तक बात है क्वालिटी की, आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, यू नो द ग्रिल, कॉल अस ऑन 9643362320, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। हमारा मेन ऑफिस पीतमपुरा दिल्ली में है, वो सब लिखा होता है हमारी वेबसाइट पे, हमारे चैनल पे, जब आप कॉल करते हैं हमें आपको एड्रेस मिल जाता है, वरना वेबसाइट्स का डिटेल है, हमारी प्रॉपर वेबसाइट भी है GKWorks.in जिसमें सारा आपको एड्रेस वगैरह लिख जाता है। और जब आप हमें कॉल करते हैं तो यू हियर दैट वी डोंट टॉक टू एनीबॉडी फ्री ऑफ कॉस्ट, मिनिमम हमारा 2,500 रुपये रहता है फ़ोन पे बात करने का, 5,000 रुपये जूम या फेस टू फेस, और उसके बाद फिर जो हमारा पैकेज है वो 30,000 से 1.5 लाख तक जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड योर स्कोर। सो हमारे लिए, हमारे पास वन फिट ऑल सोल्यूशन नहीं है, 200 नंबर की स्ट्रेटजी प्लानिंग बिल्कुल अलग। कई बार ऐसे होता है मेरे सामने दो फ्रेंड्स आ गए, एक 500 नंबर का बच्चा, 250 वाला, मैं उनको रिक्वेस्ट की, उनको लगा कि मैं डबल पैसे लूँगा, मैं कहा चलो इकट्ठे आ गए हो, मैं आपको आधा आधा घंटा दोनों को दे दूँगा, पर आप प्लीज़ अलग बैठो, क्योंकि 500 नंबर वाले से मैं अलग तरीके से बात करता हूँ, 250 नंबर वाले से मैं बिल्कुल अलग तरीके से बात करता हूँ, उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी, उसकी प्लानिंग अलग होगी, सब कुछ अलग होगा। अब वो 500 नंबर की बातें सुन सुन के 250 नंबर वाला बेचारा बच्चा डीमोटिवेट फील कर रहा था, तो सुनना पड़ रहा था बार बार कि भैया तू अगर 400 ले आता तो तेरे कोई भी कॉलेज मिल जाता, 400 ले आता, 500 ले आता, तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट विद मार्क्स। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।